H&H डिस्ट्रीब्यूटर, UTL वॉल्टेक पावर के अधिकृत थोक विक्रेता, अन्य घरेलू इन्वर्टर बैटरियों पर भी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं। H&H डिस्ट्रीब्यूटर, 221 झोकनबाग क्रिश्चियन हॉस्पिटल गेट के सामने, झांसी। RTO और यातायात पुलिस ने चलाया संयुक्त चेकिंग अभियान। RTO एवं यातायात पुलिस ने मंगलवार को संयुक्त अभियान चलाकर नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर हड़कंप मचा दिया। मंगलवार को RTO विमलेश गुप्ता एवं यातायात प्रभारी सूबेदार उत्तम सिंह ने अमले के साथ मिलकर वाहनों की चेकिंग की। दोपहर 1 बजे के लगभग टीम ने स्थानीय अस्पताल चौराहे पर वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान बिना दस्तावेज, बिना हेलमेट व क्षमता से अधिक सवारी लेकर जा रहे वाहनों की जाँच कर कार्यवाही की गयी। लगभग 1 घंटे तक अस्पताल चौराहे पर चेकिंग करने के बाद यह टीम कारी तिगैला के पास पहुंची, जहां पर वाहनों की जांच कर चालानी कार्यवाही की गई। सर बताएं, आज ये टच की आ रही है ट्रैफिक पुलिस द्वारा, वहां की द्वारा इसमें विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और RTO की संयुक्त कार्रवाई है। इसमें सबसे पहले तो जो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिनके नंबर प्लेट लगे हैं, हूटर सायरन वाहनों में लगे हैं, उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो वाहन टैक्स बकाया है या डॉक्यूमेंट्स कम है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक एक वाहन 1,79,000 में हमने जब्त भी किया है और लगभग 14 चालान अभी बनाए जा चुके हैं, कार्रवाई जारी है। अस्पताल चौराहे पर RTO ने एक मैजिक वाहन को जांच के लिए रोका। इस वाहन का रजिस्ट्रेशन देखकर उसकी जांच करने पर सामने आया कि इस पर 1,50,000 रुपए टैक्स बकाया बना हुआ है। RTO विमलेश गुप्ता ने इस वाहन का चालान करने के साथ ही इसे जब्त कर लिया। वहीं वाहन मालिक को पूरा टैक्स जमा करने के निर्देश भी दिए गए। वह भाजपा नेता के वाहन से नंबर प्लेट भी निकलवाई। RTO एवं यातायात के चौराहे पर चल रही चेकिंग को देखकर कुछ लोगों ने जहां सिविल लाइन से वाहन निकालने शुरू कर दिए थे, वहीं लोग दूसरों को चौराहे से न जाने के लिए सलाह देते रहे। टीकमगढ़ से जमील खान की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।